नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। लिंगराज मंदिर भारत के राज्य ओडिशा में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर एक भव्य मंदिर है जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भुवनेश्वर का सबसे पुराना तथा बड़ा मंदिर भी है। लिंगराज मंदिर ओडिशा राज्य के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित ओडिशा का लिंगराज मंदिर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपने सुंदर वास्तुकला और रोचक इतिहास के लिए विश्व विख्यात है। लिंगराज का अर्थ है लिंगों के राजा, जो भगवान शिव को दर्शाता है। लिंगराज मंदिर एक विशाल परिसर के भीतर स्थित है जो कई छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। यह मंदिर ओडिशा का सबसे प्राचीन तथा पवित्र मंदिर माना जाता है, जहां हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक इस महान मंदिर की दर्शन करने के लिए आते हैं। लिंगराज मंदिर में भगवान शिव को कीर्तिवास के रूप में पूजा की जाती थी, बाद में हरिहर के रूप में पूजा जाता है और उन्हें त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का पूजा स्थल माना जाता है। तीर्थयात्री और पर्यटक इस मंदिर की सुंदरता और आकर्षक शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव करने के लिए इस मंदिर की यात्रा करना पसंद करते हैं। मंदिर का बहुत महत्व है और इसके साथ कई लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। लिंगराज मंदिर भारत के मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इस मंदिर की अनूठी वास्तुकला भी कई लोगों को इस जगह की ओर आकर्षित करती है। भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का इतिहास काफी पुराना इतिहास माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंश के राजा जाजती केसरी द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब राजा जजती केसरी ने अपनी राजधानी जाजपुर से भुवनेश्वर स्थानांतरित की तो वह लिंगराज मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। लिंगराज मंदिर के आसपास कुल 150 मंदिर हैं। इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्मग्रंथ ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। इस पवित्र और विशाल मंदिर में भगवान शिव को त्रिभुवनेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है तीनों लोकों के भगवान। भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की एक दिलचस्प पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक दिन भगवान शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती को बताया कि वह बनारस से ज्यादा भुवनेश्वर शहर को क्यों ज्यादा पसंद करते हैं। यह कहानी सुनने के बाद पार्वती जी ने इस तथ्य को खोजने के लिए यात्रा आरंभ किया और मवेशी के रूप धारण करके शहर की खोज में निकल गई। अपनी इस यात्रा के दौरान वह कृति और वासा नाम के दो भयंकर राक्षसों से मिली जो उनसे शादी करना चाहते थे। उन दोनों राक्षसों को लगातार मना करने के बाद भी राक्षसों ने पार्वती देवी की पीछा किया। पार्वती देवी ने अपनी रक्षा के लिए उन दो भयंकर राक्षसों को नष्ट कर दिया। युद्ध के बाद पार्वती देवी को प्यास लगी, तब भगवान शिव ने अवतरण किया और बिंदुसागर झील का निर्माण किया। उसके बाद भगवान शिव ने वहां अनंत काल तक निवास किया। लिंगराज मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लिंगराज मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है और मंदिर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है जो 8 फीट व्यास की है, जो ग्रेनाइट की है। मंदिर के चार विभाग है, अर्थात गर्भगृह, जगमोहन, नत मंदिर और भोग मंडप। लिंगराज को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न शिवलिंग। मंदिर का मुख्य आकर्षण बिंदुसागर झील है जो मंदिर के उत्तर की ओर स्थित है। बिंदुसागर झील लिंगराज मंदिर से 450 मीटर की दूरी पर स्थित है और इस झील के केंद्र में एक मंदिर निर्मित है जो दर्शनीय है।
भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर उड़ीसा के सभी मंदिरों में से विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसे पूर्व के सर्वश्रेष्ठ पुरातात्विक स्मारकों में से एक माना जाता है, जो कलिंग प्रकार के वास्तुकार को दर्शाता है। लिंगराज मंदिर में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जो इस मंदिर को और भी आकर्षण प्रदान करता है। इनमें से शिवरात्रि, चंदन यात्रा और रथ यात्रा सबसे लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन के महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस शुभ दिन पर हजारों भक्त लिंगराज मंदिर जाते हैं और भगवान शिव की शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं। हालांकि कई लोग दूध और फल का आहार लेते हैं और कुछ लोग पानी के एक बूंद नहीं पीते हैं। मुख्य समारोह रात के समय शुरू होती है, जहां सभी भक्त पूरे रात भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। भक्त महाद्वीप की रोशनी के दर्शन के बाद ही अपना उपवास तोड़ते हैं। महाशिवरात्रि भुवनेश्वर में बल्कि पूरे उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। अशोकाष्टमी लिंगराज मंदिर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। लिंगराज के रथ उत्सव को हर साल अशोकाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान को रथ में रेमेश्वर देवला मंदिर में ले जाया जाता है। हजारों भक्त लिंगराज और उनकी बहन रुक्मणी की मूर्तियों वाले सजाए गए रथों को बड़े उत्साह से खींचते हैं। यह त्योहार भुवनेश्वर में भव्य तरीके से मनाई जाती है। चंदन यात्रा लिंगराज मंदिर का एक मुख्य त्योहार के रूप में माना जाता है। इस त्योहार को चंदन समारोह भी कहा जाता है। यह त्योहार हर साल अक्षय तृतीया के अवसर पर मनाया जाता है। चंदन समारोह मंदिर में मनाया जाने वाला 22 दिनों का त्योहार है, जिसमें मंदिर के देवता और सेवकों को गर्मी से बचने के लिए चंदन के लीप लगाया जाता है। यह त्योहार भुवनेश्वर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लिंगराज मंदिर में हिंदू धर्म लोगों के अलावा अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अन्य धर्म के लोगों के लिए बाहर एक मंच बनाया गया है, जहां से लिंगराज मंदिर की पूरी दृश्य देखा जा सकता है। लिंगराज मंदिर के भीतर जाने से पहले अपनी जूते जरूर बाहर रखें। मंदिर में मोबाइल, कैमरा, चमड़े की वस्तु और पॉलीथिन सख्त मना है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मंदिर के भीतर पूर्ण रूप से निषेध है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण यहां साल भर श्रद्धालु और पर्यटकों का भीड़ लगा रहता है। लेकिन लिंगराज मंदिर दर्शन करना का सही समय नवंबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन महीनों में यहां की मौसम सुहाना और सुखद रहता है। पर्यटक लिंगराज मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो भुवनेश्वर शहर के ओल्ड टाउन में स्थित है। भुवनेश्वर भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। लिंगराज मंदिर भारत के किसी भी शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर शहर के केंद्र में स्थित है और कई घरेलू एयरलाइन संचालित करता है। यह हवाई अड्डा देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लिंगराज मंदिर मात्र 3 किलोमीटर दूर है। यहां से टैक्सी या फिर ऑटो रिक्शा से लिंगराज मंदिर पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है, जो भारत के हर प्रमुख शहर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लिंगराज मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से टैक्सी और ऑटो रिक्शा द्वारा लिंगराज मंदिर पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित है। शहर में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की बहुत सारी बसें उपलब्ध हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।